मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने राजा कर्ण हॉकी एकेडमी हरियाणा को 3 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर दिया। इसी के साथ टीम ने प्रथम इंटर एकेडमी जूनियर बालक हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। पुरस्कार वितरण द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी बैडमिंटन के पूर्व ओलंपियन पुलेला गोपीचंद ने किया। इस अवसर पर खेलों को जुनून की हद तक सहयोग करने वाली मध्य प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, खेल विभाग के वर्तमान खेल संचालक रवि गुप्ता और पूर्व संचालक पवन जैन भी मौजूद रहे। बता दें कि फाइनल मैच में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की टीम हरियाणा की राजा कर्ण हॉकी एकेडमी पर शुरू से ही हावी थी, जिसके चलते उन्होंने आखिर तक अपना दबदबा कायम रखा। मेहनत, कड़ी मेहनत सबकी। मैं, मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है इसमें। हमारी जो कोच की जो मेहनत है उसी से ही ये जो फल आ रहे हैं। और समय, हर चीज का समय होता है। हमने इतनी ही परिश्रम की थी 2006 से, जो आज आप देख रहे हो। हम इनसे भी कह रहे थे कि उतनी ही मेहनत हम लगातार लगा रहे हैं। इसी के साथ